TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. काफी अट्टे कट्टे ताक उधर मैंने बात मारी फुल टॉस गेंद पहली गेंद सीधा फाइनल के ऊपर से और नो गेंद का करार निश्चित तौर पर गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के पार विकेट भी नहीं गिर सकती इसे एक बार एक्सल खेला बस लोग कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रन पर बड़ा सवाल गया लेकिन अक्सर कहते हैं ना प्रीमियर लीग ऐसा ही होता है कभी यहाँ से किसी को आंसू रोना पड़ते हैं तो किसी को खुशी का माहौल देखने को मिलता है फिर से एक बार खेलने के तैयार है कुछ राय ताकत का इस्तेमाल सीधा लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर से शानदार क्योंकि रन रेट के आधार पर ये मुकाबला जीतती है तो कुछ उलट फेर हो सकता है लेकिन नहीं ऐसा लग रहा है कि इस होते रन रेट के मार्जिन से जीतेगी और एक लंबा छक्का एक बार नेट रन रेट के आधार पर कुछ उलट फेर किया जा सकता है और एक लगातार तीन छक्के लगातार तीस रन खर्च किए बहुत ही खराब गेंदबाजी होती हुई फिर से एक बार छोटी गेंद पुल किया गेंद को और इस बार लोगों के ऊपर से चौथा छक्का ऐसा लग रहा है इस मुकाबले में कुछ उलट फेर नजर आ रहा है नहीं लग रहा है कि इतनी खराब गेंदबाजी के आधार पर इतना आसान से रोक पाएंगे इन बल्लेबाजों को फिर से एक बार पुल किया गेंद को लॉन्ग लेग की रीजन में एक रन जरूर मिलेगा और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 37 रन नजर आ रहे हैं और उसी के फॉर्म में चलते हुए ताकतवर खिलाड़ी बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास लेकिन लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद केवल सिंगल मिलेगा लेकिन निश्चित तौर पर प्रयास किया था खिलाड़ी निश्चित तौर पर 36 फिंगर करने 21 गेंदों में 63 रनों की दमदार पारी खेली और वो मुकाबला आपने टीम के लिए खुला किया था तालिका पर बनते हुए फिर से एक बार 37 खेलने के लिए तैयार पुल किया गेंद को लेकिन इस वक्त खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसी के साथ नामी बल्लेबाज जयेश मात्रे के पारी का अंत होता हुआ पर अंकुश लगाने का काम किरण चौहान करते हुए फिर से एक बार तैयार अंतिम गेंद शॉट ऑफ गेंद जरूर थी लेकिन आउटसाइड की ऑप्शन थी पुल करना चाहते थे अविनाश पाटिल लेकिन यहां से केवल सिंगल मिलेगा और लंबे समय के बाद कंचन पालकर अविनाश पाटिल मैदान के अंदर रवाना होते हुए सिंगल मिलेगा सिंगल के साथ अंपायर पीडी पाटिल के निश्चित तौर पर भतीजे माने जाते हैं लेकिन है तो ताकतवर खिलाड़ी और ये देखिए इनकी ताकत फाइनल के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे इनके करीब से दम है और कमाल की बल्लेबाजी अविनाश पाटिल फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार बल्ले के पीछे बीच लेकिन लास्ट स्ट्रोक हवा में गेंद जरूर है खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ से बड़ा विकेट अविनाश पाटिल के पारी का अंत होता है मुकाबले में ये बड़ा सवाल हो सकता है इस प्रतियोगिता के लिए लेकिन इस बार फीकी विकेट टप्पा करने के बाद पड़कर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और यहाँ से इस वक्त वॉरियर्स टीम इसके ऊपर निगाह होगी उनके कप्तान के इस बार तैयार इस बार अच्छा स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लेकिन डीके भोईर गेंद के नीचे और बड़ी मछली जाल में और ये तीसरा करारा छक्का मिलता हुआ वॉरियर्स को उसके साथ साथ पड़के के मैदान के ऊपर हमने प्रीमियर लीग देखी काफी बड़ी प्रीमियर लीग खेली गई थी और उससे भी बड़ी प्रीमियर लीग इस मैदान के ऊपर लेकिन गेंद सीमा पार चार रन और इस प्रीमियर लीग का हम खास बात करना चाहेंगे कि पड़गा प्रीमियर लीग धूमधाम से लेकर गए थे और दो नंबर के पैकर यानी कि दूसरी नंबर टीम जीतने वाली टीम को बड़े धूमधाम से ये ट्रॉफी दी गई थी लेकिन नो गेंद करार अंपायर का लेकिन फ्री जरूर होगा अक्सर बीमर गेंदे अब तक पूरी प्रतियोगिता में ज्यादा पाए और इसी के कारण निश्चित तौर पर ये फ्री का इशारा तो निश्चित तौर पर आ चुका है लेकिन क्या कमाल का स्ट्रोक नजर से भरा हुआ स्ट्रोक फाइनल के ऊपर से सीमा पार चार रन के लिए फिर से राइट ऑफ द विकेट एक्सप्रेस अभी उनकी ओर से पहली गेंद फुल टॉस के बैटिंग सीख किया गेंद को स्ट्रेलिया के क्षेत्र में गेंद जा रही है डीके भोईर गेंद के नीचे क्या कमाल की फील्डिंग एक हाथ में गेंद को रोका और उतनी गोली की रफ्तार से थ्रो किया केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 61 रन गोल्डन स्टार निश्चित तौर पर 76 रन बनाने वाली टीम उसका लक्ष्य का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए अभी भी केवल यहाँ से देखेंगे तो 16 रन से दूर होगी नाम में ही शिव है और निश्चित तौर पर हमारे रायगढ़ के पहले नाम है राय वो दोनों मिलकर शिव राय तैयार हो चुके हैं और निश्चित तौर पर लेकिन की अपील बड़ी अपील हुई थी लेकिन अपील में इतना विश्वास नहीं था कि दोनों अंपायर के ऊपर दबाव डाल सके और यकीनन यहाँ से एक रनों का इशारा आता हुआ और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 3 विकेट खोने के बाद 62 रन बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर 2 रन यानी कि कमाल की गेंदबाजी और उसके बाद 30 ओवर में
निश्चित तौर पर केदार शेलके 19 रन खर्च के मात्र दो सफलता उनके नाम पर मृत्यु हुई। राइट ऑफ विकेट फिर से तैयार, फुल टॉस के फायदा नहीं उठा पाए। लॉन्ग ऑफ फाइनल के क्षेत्र में खेल जा रही है, सिंगल तो लिया है और सिंगल के साथ इक्का दुक्का से नाजुक का काम किया, लेकिन खूब जबरदस्त गेंद, फिर से एक बार गुड लाइन पर फेंकी भी गेंद, विकेट कीपर थे विनोद गोयल, लेकिन यहां से केवल सिंगल और अतिरिक्त रनों का इशारा, वाइड गेंद, वर्ष चौहान ने अब तक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त फाइटर टीम की ओर से इस बार आया के लिए आपकी जगह नामी बल्लेबाज नितिन के लिए बढ़िया लंबे छक्के डालने का प्रयास कर रहे दोनों बल्लेबाज, लेकिन छक्के के प्रयास में पूरी तरह सफलता स्पष्ट हो गेंद के नीचे थे बैकफुट पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी, लेकिन कैच लेना चाहिए था, पलटवार किया और यहां से केवल दिया पाया ऑन स्ट्राइक खेलने के लिए तैयार। इस वक्त किशोर किरण चौहान की छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे, हैंडसम गोल्डन लवली ओवर की समाप्ति, चार ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद यहां से देखेंगे वॉरियर्स की चर्चा हुई थी। दापोली टीम ने लेकिन इस बार पहली गेंद के ऊपर करारा छक्का, धनंजय गोयल फेंकने के तैयार, पहली गेंद के ऊपर छक्का, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर चलता बना पाएंगे, लेकिन नहीं, कैच ड्रॉप हो चुका है, बहुत ही खराब फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाज 73 रन, इस बार बढ़िया प्रहार खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसी के साथ गोल्डन स्टार इलेवन टीम का रिकॉर्ड ब्रेक करने में कामयाब, 77 रन भी चुका प्रीमियर लीग में। आपके लिए संपर्क करें, फिर से एक बार गेंदबाज देखने तैयार रहा, डीके भोई की ये गेंद जाकर गेंद का इस्तेमाल किया था, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे थे, लेकिन बार बार खराब फील्डिंग करते हुए इस मैदान के ऊपर सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है नितिन माथरे अब तक बढ़िया इनिंग खेलते हुए। फिर से एक बार छोटी गेंद, फिर से एक बार तीसरा कैच इस खिलाड़ी के हाथ में और इस बार नहीं चूकेंगे, बढ़िया कैच और इसी के साथ नामी बल्लेबाज नितिन के पारी का अंत। 185 धावा का पाटला करे सना फायटर संघाचे दोन फलंदाज पहिले चेंडू ते चार धावांमध्ये यश मिळवलंय, यावेळी चेंडू यावेळी मात्र पॉइंट रन मध्ये आणि पहिला गडी लोटस फायटर्स घेतली, किरण चव्हाणचा अंत गेला होता, यावेळी मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये, यावेळी सुकरचा प्रयत्न होता परंतु यष्टीरक्षकाची चूक आहे, त्याचा फायदा नक्कीच यावेळी फलंदाजांना मिळतोय, एकदा यावेळी पूर्ण करताय दोन फलंदाज विनोद भोईर आणि किरण भोईर हे दोन फलंदाजी 85 धावांचा मोठं लक्ष यावेळी पार करत असताना यावेळी पंधराचा इशारा नो बॉलचा इशारा यावेळी थोडीशी खराब होती वापर केला मिड ऑफ रिजन मध्ये, चेंडूला यावेळी सन्मान देण्याचं काम फलंदाजाने केलंय आणि एक धाव करावं लागेल, गोलंदाज अविनाश पाटील पुन्हा एकदा तयार असणार आहे, यावेळी मात्र उकरचा प्रयत्न, यावेळी पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय, अजूनही एक चेंडूचा खेळ शिल्लक असताना अंतिम चेंडू अजूनही शिल्लक असताना समोर फलंदाज पुन्हा एकदा तयार असणार आहे, यावेळी तंत्राचा वापर युक्तीचा वापर स्टेट ड्राईव्ह केला चेंडूला, तो प्रत्येक डावगिरीचा प्रयत्न जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पंचांचा निर्णय अपेक्षित असणार आहे आणि यावेळी एक डावगिरीचा प्रयत्न केला होता आणि प्रयत्न यावेळी सफल ठरलाय। अमर जाधव यावेळी गोलंदाजाच्या मार्गावरून दुसऱ्या षटक दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू पंचाकडे आपेल, यावेळी मात्र पंचाकडून कोणत्याही परंतु गोलंदाज अमर जाधव यावेळी सुरेख गोलंदाजी करतोय, दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडू मध्ये यावेळी निर्धाव चेंडूची सांगता केली, कोणती धावसंख्या खर्च केली नाही, 10 धावा यावेळी धावफल करतो, यावेळी चेंडू बॅटची कडा झेलकारी क्षेत्ररक्षक आणि तोपर्यंत लोटस फायटर्स संघाचा तिसरा गडी बाजत आहे, ज्याला उर्फ बंडू या नावानं ओळखलं जातं टेनिस क्रिकेटमध्ये, तोच यावेळी फलंदाजाची वाट पाहत होता प्रवीण गायकर भगत बसून, आता फलंदाज यावेळी मैदानामध्ये पाहायला मिळणार आहे, तर नक्कीच बंडू याच्यावरती आशा मागच्या वर्षी केली होती, तर नक्कीच यावेळी 9 चेंडूमध्ये 40 धावा नक्कीच कुठावी लागते, तर आपल्या संघाला विजय पद मिळवण्याचं काम यावेळी करता येईल, यावेळी हुकरचा प्रयत्न फलंदाज बंडू यावेळी पाहायला मिळतो, अमर जाधव त्याच्या मोठं विकेट नाही, यावेळी तंत्राचा वापर युक्ती आणि शक्ती एकत्र मध्ये चेंडू सीमा पार पंचांचा इशाराच्या वर पोहोचतोय, चार धावा आउट बॉलिंग बॉलिंग, तर नक्कीच एक विसुबेगावचा छोटासा इतिहास आपल्यापर्यंत पोहोचलाय, यावेळी गोलंदाज
अविनाश पाटील पुन्हा एकदा 70-16 पार पाडून त्यांची ज्यावेळेस आपल्याला पाहायचं तिसरे षटक आणि पहिल्या चेंडू यावेळेस निर्धाव फेकलाय अविनाश पाटील नामक या गोलंदाजानं. सुरेख यावेळेस कमबॅक आपल्या संघासाठी, मात्र फलंदाज बंड ती पोहोचत आहे. सुरेख गुंडेकरचं काम यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस चेंडू हुक केलाय प्रपटाने, मोठा फटका डिपिडक्या रिझन मध्ये, चेंडू सीमा पार. त्यामध्ये 7 धावा खर्चले आहेत. येणारे 15 चेंडू आणि 62 धावांची अजूनही गरज असणार आहे मैदानावरती. यावेळेस मात्र फलंदाज झकीर दुखी धावण्याप्रसंगी पुढे सरसावताना दिसतात. एका वेळेस पूर्ण केले क्षेत्रक्षेत, तोपर्यंत तयार होता सुरेख फेक. दोन फलंदाज थोडीशी निराशाजनक यावेळेस फलंदाजी करतायत ते लोटस फायटर्स संघाचे दोन फलंदाज यावेळेस मैदानावरती. तर नक्की ज्यावेळेस आशा होती प्रवीण कायकर यांच्या, कारण की त्यांच्या बॅट मधून नेहमीच मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु या सामन्यामध्ये कुठे मोठ्याची गरज असणारे गोलंदाज यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. तरी येणारे 12 चेंडू आणि 7 धावांची अजूनही गरज, म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 30 धावा जमावल्या लागतील. यावेळेस चेंडू चेंडू लॉगमध्ये वन पाहिला आणि कालदर संघ तिथे विजय झाला होता आणि त्या स्पर्धेमध्ये दुसरा क्रमांक पटकावला होता कालदर संघ. मात्र इतिहास तो होईल का, कारण की समीकरणामध्ये आपण विचार केला तर यावेळेस चेंडू होते सीमापार 4 धावा मिळतात. 52 धावा का नाही येऊ शकत. जर फलंदाजाने बॅटचा फेस केला तर नक्कीच असं होऊ शकतो. परंतु क्रिकेट आहे याच्यामध्ये जडतर या शब्दांचा वापर आपण करू शकत नाही. यावेळेस मात्र एक धाव मिळतोय संघाची धावसंख्या. कुठल्या प्रकारचे सामने पाहायला आवडतात, ज्यावेळेस एका चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज असते, ज्यावेळेस एका चेंडूमध्ये 51 धावांची गरज. यावेळेस मैदानामध्ये फलंदाज अनिल भोईर आणि केदार शेळके अजून मैदानात. यावेळेस हुक केला चेंडूला डिपिडिका रिझर्वमध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षण आणि त्यावेळेस यावेळेस मात्र सुरक्षित. आखरी मुकाबला फायनलचा मुकाबला खेळला जायगा, लेकिन इस बार बढिया स्ट्रोक था देखेंगे. निश्चित तौर पर सैंडी अब कोई फायदा नहीं है, यहाँ से पहला सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा. चेंडू आणि 49 धावांची गरज असणार आहे ती लोटस फायटर्स संघाला. 3 चेंडू मध्ये 49 धावा म्हणजे अशक्य गोष्ट यावेळेस आपल्याला क्रिकेट मध्ये पाहायला मिळतोय. तर नक्कीच एकतर्फी सामना आणि यावेळेस पाहायला मिळतोय संघ यावेळेस जिंकताना दिसतोय. तर यावेळेस पराभव होतो संघ. रिव्हर्सचा माझा प्रयत्न, अंतिम चेंडू होता आणि यावेळी